ऐसे थोड़ा बर्तन दिन का था रात का था, वही नहीं धोया हुआ था, इसी कारण से मारा पीटा भी नहीं है, जो कि चलो गुस्सा से आत्महत्या कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाया था, जिस खबर में माँ ने बच्चे को मोबाइल फोन नहीं दिया तो बच्चे ने चाबी का गुच्छा और भी कई लोहे के सामान निगल दिया। तो वही आपको बता दें कि अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है भागलपुर से, जहां पर मां की फटकार सुनने के बाद एक नाबालिग लड़की ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि मां ने नाबालिग लड़की को बर्तन धोने के लिए डांटा था, जिसके बाद बच्ची कमरे में गई और फिर कमरे से बाहर नहीं निकली। जब परिजनों को शक हुआ तो परिजन अंदर गए और पता चला कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि ये नाबालिग लड़की 14 साल की थी। मां की डांट सुनने के बाद बच्ची ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। घटना हुआ, मम्मी थोड़ा डांट फांट दिया था 10 बजे के आसपास रात में। जी, रात में खिलाया पिलाया हम लोग को, वो भी खाया पिया, गाय का घाटा बनाया, उसके बाद हम भी सो गए, वो भी सो गया मम्मी उसका। उसके बाद सुबह हम उठते हैं गाय को लगाने के लिए, तो घाटा उसी रूम में था, तो आवाज़ देते देते थक गए, तो उसका मम्मी भी आया, वो भी आवाज़ दिया, तो नहीं बर्दाश्त हुआ, तो हम देखें कि पंखा नहीं चल रहा है, तो हमको कुछ सस्पिशन बुझाया, हम वेंटिलेटर पे चढ़ करके झाँकें तो देखते हैं कि पंखा से लटका हुआ था मेरा बेटी। क्या कारण है, काहे से? ऐसे थोड़ा बर्तन दिन का था रात का था, वही नहीं धोया हुआ था, इसी कारण से, और कोई मारा पीटा भी नहीं है, जो कि चलो गुस्सा से आत्महत्या कर लिया। बस डांटा था, बस इतना ही सब बातें हैं। क्या नाम था बच्ची का? ज्योति कुमारी। कितना उम्र होगा? 14 बरस। कहाँ घर है? बड़ारी बंगला कोठी। आपका क्या नाम है? केदार सिंह।